जी सर हूँ तैयार हो तुम मकान जो चाहे मैं लिख सब कुछ लिख के देता हूँ इनको क्या चाहिए मेरा मैं ये क्या मांग रहे हैं बोल रहा है कमरा किचन जो चाहिए इनको मैं लिख के देता हूँ भाई की आपको डेड बॉडी घर लेके जानी है तो आपको कमरा किचन देना है मैं सर जो जो ये जो बोलेंगे मैं दे दूंगा भैया मैं अपना सब कुछ दे दूंगा इनको पहले इनके पास मैं सब कुछ दे दूंगा इनको मेरा घर दे मुझे भाई चाहिए आप देने को तैयार मैं रेडी हूँ अभी जहाँ ये रह रहे थे वो मकान इनका अपना इकट्ठे है सारे सब इकट्ठे एक ही घर है भैया वही बोल रहे हैं हमें वो हमारा लिख के दे दो भैया मैं सब कुछ कर मेरा घर ले लो पूरा मैं चाहते हो भाई की अंतिम शब्द जो है वो उधमपुर जाए उधमपुर नहीं मेरे घर बड़ी बड़ा चोरी लेके जा रहे थे डेड बॉडी चोरी लेके जा रहे थे वो सन्नी लड़का उसने देखा उनको पता चला सोनी की डेड बॉडी पड़ी है कुछ भी कुछ पता ही नहीं है हमें कुछ पता नहीं उसकी डेड होगी ये कमरा किचन जो बोलते मैं लिख के देता हूँ भैया मुझे मेरे भाई दे दो मुझे नहीं चाहिए इनका कमरा किचन हमें भाई चाहिए अपना तीन चार से कितना रखा उसको इसकी बीबी ने उसको तीन चार से चार दिन से मैं पता ही नहीं कहा सामने लिखाना जे अगर इसी कच्ची बावी लगी ना पूरा चाहिए और नहीं चाहिए थोड़ी भैन कुछ चमड़ी है मेरी धी जी उन्हें दौड़े मेरे को थोड़ी तू का मंजूर जबरा या जबरा जागत नहीं सुना कोके साहब भेजे तू नहीं सुनाओ कोके साहब भेजे तू सुने भरा अपना समान निकालो दफन दफनाना तभी है ठंड पाने अज कलेजा।
देख सकते हैं दो पक्ष आमने सामने यहाँ पर, और यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर लड़के वालों ने लड़के के शव को घर लेके जाना है, यानी कि बड़ी ब्राह्मणा लेके जाना है, तो लड़की के नाम पूरा सेट जो है वो लिख के देना होगा, यानी कि कागजों पे वो पूरा सेट लिख के दिया जाएगा और हस्ताक्षर उस पर होंगे, साइन होंगे, उसके बाद ही पत्नी जो है वो लड़के के शव को बड़ी ब्राह्मणा के लिए लेके जाएगी। नहीं तो पत्नी का कहना है ये शव वो उधमपुर लेके जाएगी और उधमपुर में लड़के के शव को जो है वो दफन किया जाएगा। वहीं लड़के के भाइयों का कहना है कि वो हर तरह का घर जो है वो लिखने को तैयार हैं, जितनी इनकी मांग है उसे पूरा करेंगे, मगर भाई के शव को जो है वो भाई के शव को वो जो है बड़ी ब्राह्मणा लेके जाएंगे। अब देखने के लिए ये बात है क्या कुछ लिखा जाता है और किस तरह से ये रिटर्न होता है, क्योंकि लड़के वाले तैयार हैं लिखने के लिए और लड़की वाले कहते हैं जब तक रिटर्न में होगा तभी हम मानेंगे, नहीं तो शव हम लेके जाने नहीं देंगे। तो आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिए, किस तरह का मामला जो है वो सामने आया है। देखते रहिए जेके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।